One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. I think there's been one film released lately, which I think is a political drama. I have not watched that film, but that's a very different approach, different genre totally. And ours is more of an action adventure, more of a heist drama, a multi-star. So there's a completely different take. Emergency is common, but what the film deals with is totally different. So no real worries. And also, our film does not talk about the emergency. Emergency is a backdrop of the film. It's about the character. Cinema ki jo unki samajh hai, wo bahut gehri hai aur bahut instinctive hai. Jab maine pehle inke saath pehli baar fir kaam kiya, main ek assistant director tha, to mere boss Mahesh Bhatt saab ne mujhe kaha tha ki jab main Ajay Devgan ko kahani sunata hu, तो वो 5 मिनट में पूरा का पूरा उसका जो रस है कहानी का वो अपने जहन में उतार लेते हैं. तो आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु ग्रास्प सो फास्ट व्हाट अ डायरेक्टर वांट्स, बिकॉज एक्टर्स की जर्नी में बहुत सारे फिल्म मेकर्स आते हैं अलग अलग किस्म के. हर फिल्म मेकर का सुर पकड़ना और उसको इन्वाइट करना एक्टर का काम होता है. वो अजय बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि आप किस सुर में बात करना चाहते हैं. ये एक सवाल मुझे याद था, दूसरा वापस पूछिए. तो इमरान इज अ मिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट एंड डीप थिंकिंग. वो पहले अपने इंस्टिंक्ट से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ा सा वक्त देते हैं सोचने के लिए. आई थिंक उनका जो प्रोसेस है वो ये है कि मैं हर तरह से कंफर्टेबल हो जाऊं तब मैं फिल्म करूंगा. कि मेरा इंस्टिंक्ट भी कहता है ये करो और सोच विचार भी ये कहता है कि ये फिल्म करनी चाहिए. तो वो पहला हर्डल जब वो पार कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती. अब खैर तीसरी फिल्म है हमारी, तो एक कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है म्यूचुअली. और उनके साथ ये है कि जितनी मेहनत वो करते हैं अपने कैरेक्टर पे और अपने परफॉर्मेंस पे, वो दुनिया को नहीं दिखाते हैं वो. लेकिन मैं जानता हूं कि वो अपने आप एकांत में काफी लगन से, काफी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, काफी मेहनत के साथ, काफी तैयारी के साथ सेट पे आते हैं. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म में जो उनका परफॉर्मेंस है वो उनके करियर का सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर हो जा रही है. इट्स लार्जर देन लाइफ, इट अपील्स टू मी पर्सनली. और वो जब उस किस्म के डायलॉग्स हमको पसंद है, उस दौर का म्यूजिक हम पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल से ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से दौर की फिल्में फिल्म अच्छी होनी चाहिए. तो कहानी जैसे जैसे आती जाती है हम बनाते जाते हैं. मैंने कंटेम्प्रेरी फिल्में भी बनाई हैं, जैसे टैक्सी नौ वगैरह, कच्चे धागे. तो ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस रहा है कि पिछली 3-4 फिल्मों में ये इस टाइप की चीजें हमारे सामने हैं. कोई वजह नहीं होती. अगर आपको गाना अच्छा लगता है आप फिल्म में डाल देते हैं. थोड़ा सा आप ये देखते हैं कि पीरियड के हिसाब से वो उसके सिलेक्शन हो और अच्छे लगे हमको गाने और लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं. म्यूजिक हम इतना ज्यादा सोच के नहीं बनाते, जो चीज सामने आती है अच्छी लगी उठा ली.